अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की। मोदी ने कहा कि जेब में पैसे ना रखो। मगर क्यों? मोबाइल लो भाई, ऐसे करो और पैसे जाए। कैसी उसने स्ट्रेटजी लगाई है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। दुनिया कहीं से कहीं जा रही है। नहीं, ये बाहर का मुल्क लगता है। कौन सा मुल्क है? पाकिस्तान तो नहीं है। पाकिस्तान नहीं ना? नहीं, पाकिस्तान में इतनी टेक्नोलॉजी आई है? नहीं, इतनी नहीं है। नहीं, पहली दफा देख रहे हैं। उनके भिखारी डिजिटल भिखारी हो गया। ये सोचिए, ये देखने में कितना शॉकिंग लग रहा है कि उनके भिखारियों ने अपने आगे क्यूआर स्कैनर रखा हुआ है। बिल्कुल सही कह रही है। तो भाई पाकिस्तान फिर कैसे टेक्नोलॉजी का लागे? ये तो बड़ी बात है। ये क्या बात है? क्या वजूहत है? हिंदुस्तानियों के पास ज्यादा दिमाग है। क्योंकि पाकिस्तान इस तरह की तरक्की नहीं कर सकता। कि आज से पहले अगर हम देखें तो दिन ब दिन जो है, कभी कोई बच्चा कोई इनोवेशन करता है, कभी कोई स्टूडेंट इनोवेशन करता है, कभी कोई उनका साइंटिस्ट चांद पे चला जाता है, और कभी कोई कुछ कर देता है। हमारा हिंदुस्तान ने इतनी तरक्की कर ली कि हमारे यहाँ के भिखारी भी डिजिटल भिखारी बन चुके हैं। बात ये बात है, और ये पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है कि हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई कि अब भीख भी QR कोड से मांगी जा रही है। और सबसे बड़ा आश्चर्य तो उन भिखारियों को आज जो सच में इंटरनेशनल भिखारी है। और हकीकत ये कि हमारे हाथ दो हैं, लेकिन कटोरे हम लोगों ने तीन तीन पकड़ लिए। मांग नहीं आ रही, मजबूरी है। भिखारियों, हर मुल्क के आगे अपना कटोरा फेंक के मारते हैं। कभी सऊदी अरेबिया, कभी UAE, कभी चाइना, कभी US, कभी IMF, कभी वर्ल्ड बैंक। इतने बड़े भिखारी मुल्क के अंदर भी ये टेक्नोलॉजी नहीं गई तो पाकिस्तानी को हो गई टेंशन। पाकिस्तान के रिपोर्टर निकल गए पाकिस्तान की आवाम के पास, और अपनी आवाम को ये दिखाने के लिए कि भारत के भिखारी भी QR कोड से भीख मांग रहे हैं। तो पाकिस्तानियों ने दिया कुछ शानदार रिएक्शन जो करेंगे हमारा मनोरंजन। तो चलते पाकिस्तान। ये क्या है? ये आई थिंक कुछ पैसों मांगने के लिए जो बैठे होते हैं। जी, इसके आगे क्या है? नजर नहीं आ रहा। उसने कोई बोर्ड लगाया हुआ, उसमें कुछ लिखा होगा। इमरान स्कैनर है। अच्छा, स्कैनर है। आप स्कैन करके पैसे दे सकते हैं। ये पता किधर है? इंडिया में होगा। पाकिस्तान क्यों नहीं कहा? क्योंकि पाकिस्तान इस तरह की तरक्की नहीं कर सकता। हमारी जो सियासतदान है वो हमें छोड़ते नहीं है इतनी मतलब आगे जाने में। अगर मैं इन अंकल को भी पीछे कहूँ ना कि अंकल आपके पास इजी पैसे जैस कैश है, आपके पास कोई ऐसी चीज है जिससे मैं आपको पैसे भेज दूँ? उन्होंने कहना नहीं बेटा। सही बात है। देखिए, हमारे यहाँ बड़े ऐसी टेक्नोलॉजी का पता ही किसी को नहीं, और वहाँ के भिखारी भीख मांगने जाते हैं तो अपना स्कैनर साथ लेके जाते हैं। ये बदला मोदी की सरकार ने। अब देखे ना, हम उनको जैसा मर्जी कह दे, डजंट मैटर, उनको क्या फर्क पड़ता है? उनकी दुनिया इज्जत करती है कि नहीं करती? जी करती है। वाह मोदी जी वाह। टेक्नोलॉजी के बारे में कितना जानते हो? क्या आपको पता QR स्कैनर क्या होता है? टेक्नोलॉजी के बारे में हम कुछ नहीं जानते। कुछ भी नहीं जानते? नहीं। अच्छा, ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में पता? नहीं यार, ऑनलाइन बैंकिंग हम नहीं करते। जब से तुम्हारा जन्म हुआ है, जब से तुम भीख मांग रहे हो, और आज तक भी तुम भीख ही मांग रहे हो। कहते हैं चले मान लेते हूँ। तो टेक्नोलॉजी पढ़ के क्या करोगे? रहने दो भैया, जाने दो। ठीक है जी, मैं चीज दिखाना चाहूंगी। ये बताइएगा ये कौन है? पिक्चर से तुम ये बेकार ही लग रहा है। भिखारी है बिल्कुल। हाँ, भिखारी के आगे ये क्या है? देखो, से देखिएगा वीडियो है, जूम नहीं होगा। जूम नहीं है। कोई वो लग रहा है ना कि कोई स्कैनर टाइप चीज पड़ी। हाँ जी, कोई ऐसा ही। ये कहाँ हो सकता है? पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? ये तो इंडिया में ही हो सकता है। क्यों सर, इंडिया में क्यों हो सकता है? वो IT में, हमारे से मैं पहले ही बात की है कि IT में वो एक्सेल कर रही है। उनके भिखारी डिजिटल भिखारी हो गया। ये सोचिए, ये देखने में कितना शॉकिंग लग रहा है कि उनके भिखारियों ने अपने आगे QR स्कैनर रखा हुआ है। बिल्कुल सही कह रही है। यहाँ पे अभी दफ्तरों में भी वही फाइल वर्क है, वही जो 1947 से पहले अंग्रेज छोड़ गया, हम तो उसको भी नहीं कर सके। वहाँ पे उन्होंने ट्रेन का जैसा सिस्टम है रेलवे का, उसको वो कहाँ से कहाँ ले गए। और उन्होंने डबल ट्रैकिंग, हमारे तो सिंगल ट्रैक भी खत्म हो गया। इधर वो कस्बों तक भी ट्रेन का सिस्टम था, मतलब आप क्वेटा तक चले जाते थे और क्वेटा से जहादान तक चले जाते थे। तो लेकिन इंडिया ने उसको बेहतर किया, हमने उसका बेड़ा गर्क किया। हलवा खाएं और सो जाएं। ये QR स्कैनर है, ये देखे, ये कोड लेके घूम रहा है कि भाई जो भी भीख दे इसे QR स्कैन के जरिए दे। पता है कौन से मुल्क में? नहीं, ये बाहर का मुल्क लगता है। कौन सा मुल्क है? पाकिस्तान तो नहीं है। पाकिस्तान नहीं ना? नहीं, पाकिस्तान में इतनी टेक्नोलॉजी आई है? नहीं, इतनी नहीं है। नहीं, पहली दफा देख रहे हैं इसे। तो भाई पाकिस्तान फिर कैसे टेक्नोलॉजी का लागे? ये तो बड़ी बात है। ये क्या बात है? बड़ी बात है ना, ये भाई हिंदुस्तान में हो रहा है। क्या बात है जी, वो आगे जा रहे हैं बिल्कुल। ये देख के तो ऐसे लग रहा है जी।
हाँ जी, ये पाकिस्तान में नहीं मैंने देखा, नहीं ना देखा, नहीं देखा। बेगर से यार भिखारी देखो यार भाई, रोड के ऊपर वो जा रहा है, देखो लोग कितने। पाकिस्तान में तो भिखारी के पास मोबाइल हो या ये चीज हो तो कोई क्रैक नहीं देने, भीख भी नहीं देगा। ये तो बड़ी बात है, ये चेक करो भाई, जिधर जिधर जा रहा लोग खुशी खुशी दे रहे हैं कि भाई QR स्कैनर लेके घूम रहा है। देखने में तो मुझे मजा आ रहा है। डेवलप होने का, डेवलपमेंट की तरफ जाने का कोई मुल्क कामयाब है कैसे अंदाजा लगा सकते हो? उनका पॉवर्टी रेट देख के, जहाँ पे गरीब कम है अमीर ज्यादा है, वो बहुत करप्ट मुल्क है। तो क्या हमारे मुल्क के बारे में क्या ख्याल आता है? आपको पता ही है, गरीब आपको हर जगह नजर आ रहे हैं और अमीर सिर्फ आपको एक स्पेसिफिक लाहौर के साफ सुथरे एरिया में नजर आ रहे होते हैं। और मैं इस एरिया का नाम नहीं लेना चाहता, ये ब्लैक वीगो ना आ जाए। इसने कहा ना कि काला वीगो डाला आ जाएगा, वो क्या होता है काफी हिंदुस्तानियों को नहीं पता है, तो मैं बता देता हूँ। जो वीगो डाला होता है पाकिस्तानी आर्मी की गाड़ी होती है, और वो जिसको उठा के ले जाती है ना वो कभी मिलता ही नहीं है, और अगर वो कभी मिलता है तो कोई बोरे के अंदर उसकी लाश ही मिलती है। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि जो बंदा वीगो डाले में जाए और वापस आ जाए, ये किसी चमत्कार से कम नहीं होता है। इसके लिए पाकिस्तान की आवाम अक्सर वीगो डाले का नाम लेती रहती है कि वीगो डाला आ जाएगा, उठा के ले जाएगा। थैंक यू सो मच। इससे पहले कि बाहर कोई वीगो आ जाए, एक वीडियो में आपको दिखाना चाहूंगी, पहले ये ही देख ले, बल्कि ये ले, ये कौन है अभी ये देखिएगा, ये एक भिखारी है। भिखारी के हाथ में क्या है? ये उनका शायद जाना, ये जो पे करने के लिए, जैसे हमारे इधर जैश कैश है वैसे उनके उधर QR स्कैनर वगैरह है। हाँ जी। और ये पता किसने किया है? किसने किया है, कौन सी गवर्नमेंट ने किया है? नहीं मुझे नहीं पता, जिसका आपने अभी नाम लिया है उसने UPI तारीफ करवाया है, स्कैनर बनाइए, देखिए कौन है। ये भी सेम वही भिखारी है। और आगे क्या है इसमें? ये भी QR स्कैनर है। मोदी ने कहा कि जेब में पैसे ना रखो, मोबाइल लो भाई, ऐसे करो और पैसे जाए, कैसी उसने स्ट्रेटजी लगाई है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। क्या कहेंगे कि हमारे पाकिस्तान में गरीब रेडी वाले को ज्यादा चीजें पैसे का नहीं बताओ तो उस बंदे को इंग्लिश भी नहीं आती, वहाँ का भिखारी भी इतना टेक्निकल हो गया है, डिजिटल भिखारी बन गया है। तो आप देखे क्या क्या इस ऐसी कौम की वर्थ है दुनिया में कि नहीं? बिल्कुल। हाँ भैया, तुमको टेक्नोलॉजी क्या जरूरत है, तुमको तो जरूरत है बेहतर हुरो की। आए हाय, लार टपक गई बेहतर हुरो का नाम सुन के, एक थूक से समंदर को मीठा कर दे। अबे तुम अपनी जिंदगी तो मीठी कर लो बेहतर हुर के दीवानो, ये मिलेगी तुमको, ये बाबा जी का ठुल्लू। मर के कोई आया आज तक वापस जिसने बताया कि मुझे 72 मिली की 74 मिली की 78 मिली? क्या वजूहत है? हिंदुस्तानियों के पास ज्यादा दिमाग है कि आज से पहले अगर हम देखें तो दिन ब दिन जो है, कभी कोई बच्चा कोई इनोवेशन करता है, कभी कोई स्टूडेंट इनोवेशन करता है, कभी कोई उनका साइंटिस्ट चांद पे चला जाता है, और कभी कोई कुछ कर देता है। लेकिन पाकिस्तानियों में ऐसे स्टूडेंट्स नहीं आते, इनोवेशन तो आ ही नहीं रही सर, कुछ बनाने की तो सोचते ही नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान के, अभी कल की बात है, एक बच्चे ने जूता बनाया आर्मी का, बच्चा छोटा सा है 10 साल का, उसने जूता बनाया आर्मी के लिए जो कि सैटेलाइट से कनेक्ट करेगा। सर कितनी बड़ी बात है। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। तो उसकी वजह ये है, किसी भी देश की या मुल्क की तरक्की का इनसार जो होता है ना, वो एजुकेशन पे होता है, उससे ही सारा लीडरशिप भी आपको मिलती है, उससे सारा उस चीज को उन्होंने समझा, उन्होंने 47 के बाद अपनी पॉलिसी, हमारी तो एजुकेशन पॉलिसी नहीं आज तक बन सकती। खैर मैं इस चीज़ को तो कभी बढ़ावा देऊंगा नहीं कि भीख मांगना भी अच्छी चीज़ होती है, कि QR कोड से मांग रहे हैं कि बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात हो गई, बहुत बड़ी खुशी की बात हो गई है। बस इससे एक मॉरल शिक्षा ये जरूर मिलती है कि हाँ, कि हमारे हिंदुस्तान के जो भिखारी है वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, टेक्निक को समझे जा रहे हैं। क्या बात है, जो टेक्नोलॉजी हमारे भिखारी यूज करते हैं, इन पाकिस्तानी पढ़े लिखों को वो टेक्नोलॉजी तक नहीं पता कि वो है क्या। तो पोर्कियो, ये है मेड इन इंडिया का पावर। अब आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आप लोगों क्या विचार है, कमेंट सेक्शन ओपन है, जहां मिले वहीं पहल दो। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।